गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम साधना कुमारी फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। वर्ग चतुर्थ, विषय संस्कृत। बच्चों, अभी मैं प्रतिदिन आपके जो है आपका चैप्टर 7 लेकर उपस्थित होती हूँ। प्रथम दिन में मैंने जो जब चैप्टर मैंने प्रारंभ किया तो उसके पहले दिन मैंने आपको चैप्टर के विषय में जानकारी, इसके शीर्षक के विषय में बताने के बाद इसका जो है शब्दार्थ मैंने आपको पढ़कर संस्कृत शब्द का जो हिंदी उच्चारण के साथ उसके हिंदी अर्थ को मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद मैंने वीर अभिमन्यु जो इसका शीर्षक है उसे पढ़कर मैंने इसके हिंदी अर्थ के साथ आपको सभी वाक्यों को पढ़ा एवं हिंदी अर्थ को मैंने आपको समझा दिया। तो आज आपका जो चैप्टर है वो पढ़ाने का काम तो पूरा हो गया है। तो आइए अब हम क्या करेंगे, तो इसके अभ्यास कार्य को करेंगे। तो आइए अब इसके अभ्यास कार्य पर चलते हैं। आपका चैप्टर जिसका कि शीर्षक वीर अभिमन्यु है, मैंने इस पाठ को पढ़ा दिया है एवं इसके हिंदी अर्थ को भी मैंने आपको पढ़कर समझा दिया है। तो अब इस अभ्यास कार्य में पढ़ाने का कार्य तो पूरा हो गया, मैं आपको चैप्टर समझा चुकी हूँ। तो इसको जब मैं पढ़ा दी हूँ तो अब इसके बाद मेरा कार्य बचता है कि मैं आपके अभ्यास कार्यों को करवाऊँ। तो आइए चलते हैं आपके अभ्यास कार्य पर। आपके अभ्यास कार्य में जो हैं कुल 4 प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है, इन निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए, जिसमें 5 प्रश्न पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपका, उसमें है कि निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए, यानी इसमें संस्कृत के वाक्य दिए गए हैं जिसका कि हिंदी में अनुवाद करना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए, इसमें क्या है कि इसमें हिंदी के वाक्य दिए गए हैं उसका आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। और चौथा जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें है कि शब्दों के विपरीत अर्थ लिखिए, यानी आपको विलोम शब्द इस संस्कृत जो भी शब्द दिए गए उसका विलोम आपको लिखना है, विपरीत शब्द लिखना है। तो इन अभ्यास कार्य को करवाने से पहले मैं हमेशा आप लोगों को सलाह देती हूँ कि आप पहले जब भी HW में अपने क्वेश्चन आंसर का कार्य करते हैं तो सर्वप्रथम आप शब्दार्थ को करें। शब्दार्थ को लिखने के बाद ही आप अपने अभ्यास कार्य में दिए गए प्रश्नों को लिखकर उसके उत्तर को लिखेंगे। तो आइए मैं अपना जो मेरा मैं जो जिस तरीके से मैं काम करती हूँ वही मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि आपका जो चैप्टर में जो शब्दार्थ है उसे मैंने लिख दिया है, ताकि आप इसे संस्कृत शब्द को पढ़कर इसके हिंदी अर्थ को याद कर लेंगे, जिससे आपको बहुत ही फायदे होंगे। तो देखिए मैंने शब्दार्थ में लिखा है, पहला शब्द जो आपका है वो है चातुर्येन। चातुर्येन का हिंदी अर्थ होता है चतुरता से। युद्ध क्षेत्रात का हिंदी अर्थ है युद्ध क्षेत्र से। नीतः का अर्थ होता है ले जाया गया। अजानात का हिंदी अर्थ होता है जानता था। जानाम्यहम का हिंदी अर्थ होता है मैं जानता हूँ। ददातु का हिंदी अर्थ होता है दीजिए। प्रणाम्य का हिंदी अर्थ होता है प्रणाम करके। निष्क्रांतः का हिंदी अर्थ होता है निकल गया। प्रशंसितवंतः का हिंदी अर्थ होता है प्रशंसा की। विहाय का हिंदी अर्थ होता है छोड़कर। निशस्त्रम का हिंदी अर्थ होता है शस्त्रहीन। शह का हिंदी अर्थ होता है साथ। युद्ध धर्म का हिंदी अर्थ होता है युद्ध करते हुए। अग्नन का हिंदी अर्थ होता है मार डाला। इस प्रकार से बच्चों मैंने क्या किया है कि आपके सभी शब्दार्थ को लिखकर संस्कृत शब्द को लिखकर उसके हिंदी अर्थ को लिख दिया है। जिन बच्चे के पास बुक है वो बच्चे भी आसानी से इसको अपना याद कर लेंगे, एवं जिनके पास नहीं है खासकर मैंने उनके लिए यह सब शब्दार्थ मैं लिख देती हूँ ताकि वो अच्छे से इसे देख कर याद कर सके। बच्चों जिनके पास पुस्तक उपलब्ध नहीं है वो अवश्य ही पुस्तक ले लेंगे, अपने बुक लेने के बाद ही आप प्रश्नों के उत्तर को अच्छे से कर पाएंगे एवं पढ़ पाएंगे।
तो इस प्रकार से मैंने क्या किया है, आपके शब्दार्थ को करवा दिया है। आप सभी बच्चे भी ध्यान से अपना जो है अभ्यास कार्य प्रारंभ करने से पहले इनको अवश्य ही लिखकर याद करेंगे। बच्चों, अभ्यास कार्य में दिए गए जो भी प्रश्न हैं उनके उत्तर लिखवाने से पहले मैं हमेशा शब्दार्थ करवाती हूँ, और वो मैंने आज भी आपको करके बता दें, लिख के बता दिया है। आप सभी बच्चे ध्यान से मेरे द्वारा करवाए गए जो कार्य हैं उसे करेंगे। आगे के आपके जो है अभ्यास कार्य में जो भी प्रश्न है उनके उत्तर को लेकर मैं पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।